सबसे पहले मैं एमसीक्यू का पार्ट वन लेके आ चुका हूँ, और जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उत्तराखंड के एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस बनते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, आप लोग जानते हैं लगभग 60% जो आता है वो उत्तराखंड से आता ही आता है, ठीक है। अभी जैसे ये कि बदलता जाता रहता है सिलेबस, लेकिन ये कि 60-50% तो मान के चले कि उत्तराखंड से आता ही आता है, तो उस मामले में उत्तराखंड की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल, मैं हूँ फाउंडर ऑफ फैकल्टी रिहल्स क्लासेस का। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। मतलब ये होगा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से कौन सा नष्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप सपोज एक कागज लें, कागज को आप लोग जमीन में गाड़ दें तो कुछ दिनों बाद आपको कागज कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जैविक रूप से मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस से कौन सी चीज़ नष्ट हो जाती है, जैसे गोबर नष्ट हो जाता है, मलमूत्र वगैरह नष्ट हो जाता है, ठीक है, कागज नष्ट हो जाता है और सारी चीज़ें हो गई, जैसे पन्नी है वो नष्ट नहीं होती, तो अब आप समझ सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से जो नष्ट हो सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए चमड़ा, ऑप्शन नंबर बी साबुन, ऑप्शन नंबर सी शीशा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं ये आप इनमें से नष्ट हो सकती हैं और कौन सी नष्ट नहीं हो सकती। तो आप बता दीजिए कि इनमें से कौन सा चीज़ नष्ट नहीं हो सकती हैं, जैविक रूप से नष्ट नहीं हो सकती हैं। तो इसका जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मुझे उस क्वेश्चंस का आंसर मैं कमेंट में ही दूंगा, ठीक है। और बड़ी खुशी होती है जब लोग आप लोग कमेंट्स में आंसर देते हैं, ठीक, और हमें भी एक तरीके से गर्व मिलता है कि आप लोग भी हमारे क्वेश्चंस को वीडियोस को देख रहे हैं और इंटरेस्टेड आप लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ गया है हमारा वर्ड ऑफ द डे। तो आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है स्टॉल। स्टॉल मतलब होता है रोकना। और सिनोनिम्स देखिए, हाल्ट, हिंडर, डिटर, रिस्ट्रेन और इम्पीड। एंटोनिम्स की देखिए, एलो, प्रोसीड, प्रोग्रेस, एक्सीलरेट और सपोर्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर है आप लोगों का, एच ओ डी मिस्टर अंकित पांचाल स्टॉल द स्टूडेंट्स हु वर ट्राइंग टू बंक द क्लास। मतलब जी एच ओ डी जो अंकित पांचाल हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को रोक दिया, उन्होंने स्टूडेंट्स को रोक दिया जो कि कोशिश कर रहे थे क्लास को बंक करने की, ठीक है। अब आप लोगों को लगे अगर वीडियो तेज है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं आप लोगों को उस पर अदर साइट्स पर मिल जाएंगे या फिर प्ले स्टोर्स में आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप गूगल वीडियो वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारा अब टॉपिक पे, उत्तराखंड का राज्य प्रतीक से संबंधित प्रश्न है उत्तर। पहला क्वेश्चन हमारा, नथुली कहाँ का आभूषण है। ऑप्शन नंबर ए नाक का, ऑप्शन नंबर बी कान का, ऑप्शन नंबर सी हाथ का, ऑप्शन नंबर डी गले का। इसका जो आंसर है वो है नाक का। नथुली जो है नाक को पहनी जाती है, आप समझ सकते हैं नथ, नथ से याद रखिए नाक, ठीक है, और नथुली जो है पहनी जाती है नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमेल किसका अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर ए धागुल का, ऑप्शन नंबर बी कंठमाला का, ऑप्शन नंबर सी हंसुली का, ऑप्शन नंबर डी चवन्नी माला का। इसका जो आंसर है वो है चवन्नी माला। और आप लोग मुझे कमेंट बताइए चवन्नी माला के बारे में, बहुत ज़्यादा मैंने डिस्क्रिप्टिव रूप से बताया था एमसीक्यू के पार्ट वन में, ठीक है। एमसीक्यू के पार्ट वन में मेरे को चवन्नी माला के बारे में बिल्कुल ढंग से बताया था कि चवन्नी माला कहाँ पहनी जाती है। तो आप लोग कमेंट मुझे बताइए जिन्होंने पार्ट वन देखा था या फिर जिनको याद है चवन्नी माला कहाँ पहनते हैं, तो बताइए कि चवन्नी माला को किस जगह पहना जाता है। तो उसका आंसर जो है आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कि उत्रोली कहाँ का आभूषण है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वर्ड्स के मामले में अगर देखा जाए ना, ज्वेलरी के मामले में देखा जाए, तो उत्तराखंड का जो एमसीक्यू का पार्ट टू है वो उत्तराखंड के एमसीक्यू के पार्ट वन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जो मैंने आप लोगों को एमसीक्यू का पार्ट वन बताया था उसके अंदर मैंने आपको ऐसे ऐसे ज्वेलरीज बताई थी जिसको आप लोग इंटरकनेक्ट कर सकते थे। मतलब ये हो गया कि जैसे बाली मैंने आपको बताया, तो बाली ऐसे वर्ड्स थे उसके अंदर जिसको आप लोग कनेक्टेड भी कर सकते थे, ठीक है, और ऐसे वर्ड्स जो आप लोगों ने सुने भी थे तो आप लोग वहाँ पर टिक लगा सकते थे। लेकिन इसके अंदर ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आप लोगों ने कभी सुने ही नहीं होंगे। हाँ, सुन उन लोगों ने रखे होंगे जो जैसे पहाड़ वगैरह में जो इन ट्रेडिशंस के बारे में जानते होंगे या फिर जिसने ढंग से स्टडी करी होगी उन्होंने, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों ने ऐसे वर्ड सुने ही नहीं होंगे। तो उनके लिए उत्तराखंड का एमसीक्यू का पार्ट टू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर ये मान के चले कि एमसीक्यू के पार्ट वन के मुकाबले एमसीक्यू के पार्ट टू से जो मैंने बनाया है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीदें ज़्यादा हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए नाक का, ऑप्शन नंबर बी कान का, ऑप्शन नंबर सी हाथ का, ऑप्शन नंबर डी कंधों का। इसका जो आंसर है वो है कान का। उत्तरोली जो है कान में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसर कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए नाक का, ऑप्शन बी कान का, ऑप्शन नंबर सी हाथ का, ऑप्शन नंबर डी कंधों में पहना जाता है। इसका जो आंसर है वो है नाक का। बेसर भी जो है वो नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरियो को कहाँ पहना जाता है। चरियो देखिए सारे के सारे वर्ड्स देखेंगे आप लोग बिल्कुल नए लगेंगे आपको, आप लोग इसमें इंटरकनेक्ट भी नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए नाक का, ऑप्शन नंबर बी काम पर सॉरी काम कमर पर, ऑप्शन नंबर डी गले पर, ऑप्शन डी कमर पर। देखिए इसके अंदर दो ऑप्शन मैंने गलती से एक ही सेम लिख दिया है, आप लोग कुछ और ऑप्शन भी मिल सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है कमर पर, ठीक है। आप बी या डी में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने गलती से इसमें डबल ऑप्शन एक साथ ही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्षेत्र में गुलबंद को कहा जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में गुलबंद को कहा जाता है। देखिए एमसीक्यू के पार्ट वन में आपको बताया था गुलबंद कहाँ पहना जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट से बताइए कि गुलबंद को कहाँ पहना जाता है। जिन लोगों ने एमसीक्यू का पार्ट वन देखा होगा पूरे ढंग से ईमानदारी से, तो वो लोग इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और जिनको पता है वो लोग भी इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुद्रिका, ऑप्शन नंबर बी डानुम्मी, ऑप्शन नंबर सी मुंडी, ऑप्शन नंबर डी कील। तो इसका जो आंसर है वो है कुमाऊं क्षेत्र में जो गुलबंद को कहा जाता है वो कहा जाता है रामनवमी, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में कहा जाता है गुलबंद और कुमाऊं क्षेत्र में उसको कहा जाता है रामनवमी, ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलाक कहाँ का भूषण है, बुलाक कहाँ का भूषण। ऑप्शन नंबर ए नाक का, ऑप्शन बी कान का, ऑप्शन नंबर सी हाथ का, ऑप्शन नंबर डी कंधों का। इसका जो आंसर है वो है नाक का, बुलाक जो भी है वो नाक का पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल कंचव कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कान नाक पे, ऑप्शन नंबर कान पे, ऑप्शन नंबर सी हाथ पे, ऑप्शन नंबर डी कंधों पे। इसका जो आंसर है वो है कान पे, जल कंचव को कान पे पहना जाता है। चंद्रोली कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए नाक पर, ऑप्शन नंबर बी कमर पर, ऑप्शन नंबर सी गले पर, ऑप्शन नंबर डी सर पर। इसका जो आंसर है वो है कमर पर। गोखले या बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, कमर पर, बी नाक पर, ऑप्शन नंबर सी गले पर, ऑप्शन नंबर डी हाथों पर। देखिए आप लोगों को बाजूबंद भी दे सकता है, गोखले भी दे सकता है, लेकिन मेरे जहाँ से तो मेरा दिमाग काम करता है वो अगर उसने टफ पेपर बनाना होगा तो वो जरूर पक्का गोखले देगा, क्योंकि बाजू से आप लोग याद रखिए बाजू जो होता है एक हाथ का एक पार्ट होता है, बाजू जब खत्म हो जाती है तब हाथ स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि हाथों पर है, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, हाथों पर है, क्योंकि बाजू से आप लोग कर लेंगे तो कमर पर तो बाजू होती नहीं, गले में नहीं होती, नाक पर नहीं होती, ठीक है, हाथों पर आप लोग बिल्कुल इसके अंदर चूज कर सकते हैं। अगर बाजूबंद आता है तो आप लोग इंटरकनेक्ट कर लेंगे उसको और कनेक्ट करके आप लोग इसका आंसर दे देंगे कि हाथों पर होगा, लेकिन एक बात सोचिए वो आपको बाजूबंद देगा ही नहीं, ठीक है। अगर उसने थोड़ा सा भी टफेस्ट पेपर बनाना होगा वो गोखले देगा, क्योंकि उसको वो पता है कि बच्चा यहाँ पे इंटरकनेक्ट कर लेता है, ठीक है, बच्चा जो है यहाँ पे कनेक्ट कर लेगा तो वो आप लोगों को गोखले देगा, ठीक है, वो आपको बाजूबंद देगा ही नहीं। तो गोखले जो है आप समझ लीजिए गोखले ही बाजूबंद है जो कि हाथों पर पहना जाता है। तो आप लोगों को वर्ड जो टिप है गोखले इसको आप लोगों को इंपॉर्टेंट रखना है। मैंने जान के आप लोगों को गोखले या बाजूबंद दोनों ये क्वेश्चन बन सकता है, गोखले कहाँ पहना जाता है या बाजूबंद कहाँ पहना जाता है। बाजूबंद वाला तो आप कर लेंगे, लेकिन गोखले वर्ड आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेवर कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पिंडलियों पर, ऑप्शन नंबर बी उंगलियों पर, ऑप्शन नंबर सी कमर पर, ऑप्शन नंबर डी कान पर। इसका जो आंसर है वो है पिंडलियों पर। पिंडलियाँ जो होती है हमारे पैर जो होता है, पैर के पिछला वाला जो हिस्सा होता है, पीछे वाला में आप देखेंगे तो गिट्टे से होते हैं लगे हुए, ठीक है, जो हमारा पैर का जो तल होता है, तल से आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर झेवर को पहना जाता है। करधनी कहाँ जाता है, लच्छा को, पाजेब को, तिगड़ी को या इमरती को। इसका जो आंसर है वो है लच्छा को। बिछुआ कहाँ पहना जाता है, पैरों की उंगलियों में, पैरों के अंगूठे में, हाथ के अंगूठे में, हाथ की उंगली में। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो लोग यूपी साइड के रहने वाले हैं उनके ट्रेडिशन, प्लस बिहार के जो रहने वाले हैं उनका ट्रेडिशन, उत्तराखंड के जो पहाड़ में रहने वाले हैं उनका ट्रेडिशन, और जो हिमाचल प्रदेश का जो वेस्ट वाला एरिया है उनका ट्रेडिशन, ठीक है, तो इन ट्रेडिशनों के हिसाब में भी बिछुआ वहाँ पहना जाता है। और जो लोग गाँव की फैमिली में रहते होंगे उनको पता होगा बिछुआ किसे कहते हैं, और कुछ लोगों ने स्टडीज बहुत अच्छी करी है तो उनको ही पता होगा बिछुआ किसे कहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं कि बिछुआ जो होता है पैरों की उंगलियों पहना जाता है, ये एक अंगूठी टाइप का होता है, ठीक है, शादीशुदा औरतें इसको पहनी जाती हैं, और अधिकतर आप लोगों ने घर में देखा होगा जिनकी दादी या नानी होगी और वो इन ट्रेडिशन से जुड़े होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि उनके पैरों में उंगलियों में अंगूठियाँ सी लगी रहती हैं, ठीक है, तो उन्हीं को बिछुआ कहा जाता है। इसका जो आंसर है वो है पैरों की उंगलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरती को किसके साथ पहना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिछुए के साथ, ऑप्शन नंबर बी पायल के साथ, ऑप्शन नंबर सी लच्छा के साथ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इमरती भी एक पायल का एक टाइप का हिस्सा होता है, पायल जैसा होता है, ठीक है, और इसको पायल के साथ पहना जाता है। तो याद रखिए इमरती जो है पायल के साथ पहना जाता है, ऑप्शन नंबर बी पायल के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, ठीक, और इस तरीके से हमारा जो उत्तराखंड का एमसीक्यू का पार्ट टू है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अगर मुझे लगता है कि देखिए मैंने इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को कराने की कोशिश की है जिस तरीके से बन सकता है पेपर, क्योंकि उत्तराखंड में अब बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक, और अगर लगता है जैसे मुझे लगेगा कि सपोज़ कि अब नए चेंजेस आ गए हैं और उत्तराखंड के ज्वेलरीज से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन और बन सकते हैं। फिलहाल मैं इस एमसीक्यू के पार्ट टू को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा, इसके सिर्फ दो ही पार्ट निकलेंगे, ठीक है, इसको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है अगर मुझे लगेगा कि ज्वेलरीज से और क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं उत्तराखंड का एक मिसलेनियस पार्ट करूँगा। उत्तराखंड का एक मिसलेनियस पार्ट के अंदर जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नए नए उत्तराखंड के बनेंगे, बिल्कुल मिक्स उत्तराखंड का अगर क्वेश्चन बनता है कहीं से भी रिलेटेड हो, ठीक है, उसके अंदर मैं उत्तराखंड का मिसलेनियस एक पार्ट बनाऊंगा और उत्तराखंड के मिसलेनियस
माइनस पार्ट में उस एमसीक्यू को, जैसे ज्वेलरी का होगा या फिर किसी भी चीज़ का होगा, मैं उसके अंदर डाल दूंगा। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को भी छूटेगा। लेकिन उत्तराखंड के ज्वेलरीज का अगर पोर्शन कोई आता है और आप लोगों ने इन दो सीरीज़ को पढ़ा है, तो ये गारंटी मान के चले कि आप लोगों ने अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आप लोग बिल्कुल भी उसके अंदर गलती नहीं कर सकते, ठीक है। ये एमसीक्यू को अगर आप ऑर्डर लें, मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन पिछले थे और 15 क्वेश्चन आते, तो टोटल 35 क्वेश्चन हो गए होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन को अगर आप लोग रट लें, तो उत्तराखंड का ज्वेलरीज का एमसीक्यू के पार्ट में से आप एक भी नंबर मिस नहीं करोगे। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों की मेहनत क्या है। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की एग्जाम्स की, ग्रुप्स एग्जाम्स की, या फिर वन आरक्षी की, फॉरेस्ट गार्ड की, जिन लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, ठीक। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जितना भी स्टडी या मटेरियल है उनमें शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिली जाए। आप कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियोस को देखते रहते हैं और शेयर नहीं करते। देखिए, एक बात सुन लीजिए, अगर सोचते हैं कि आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो ये बात भूल जाइए, क्योंकि ऐसा है कि उसको जानकारी कहीं ना कहीं से तो मिली जाएगी। बस ये है कि आपकी दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है कि हाँ चलो यार, इस बंदे ने मुझे बताया कि यहाँ पर इसमें ज़्यादा ढंग से वीडियोज़ में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसे शेयर कर दीजिए, इसमें आप ही को सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लोग उसे शेयरिंग करोगे तो कल के टाइम पे कोई वो भी आपको अच्छी वीडियो के बारे में बताएगा, किसी अच्छे चैनल के बारे में बताएगा जो आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अब तक हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 350 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग 1000 के टारगेट को भी कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि चैनल को बने बहुत टाइम हो गया है, व्यूज़ बहुत कम है, तो मुझे इस बात की थोड़ी सी निराशा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने हार बिल्कुल नहीं मानी है, ठीक है। हम लोग वीडियोज़ बनाते रहेंगे, और जिनको ज़रूरत है, चाहे वो हमारे लिए 2 बच्चे हों, चाहे 4 बच्चे हों, चाहे लाखों हों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें, हमारा मकसद यह है कि आप लोगों को जानकारी पहुंचाया जाए, चाहे 2 लोग देखें, चाहे 4 लोग देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन यह है कि आप लोग देखेंगे तो हमें थोड़ी सी जागृति मिलती है कि चलो आप लोगों के लिए और सही सारी की सारी नई चीज़ें लेके आते रहें। हमारे न्यू बैचेस चैनल के हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और हमारे जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के ग्रुप सी की तैयारी के लिए, चाहे वन फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो या फिर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक है, उसके लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को बैचेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और शायद वो नंबर कनेक्ट ना हो क्योंकि वो व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप पे अगर आप लोगों के क्वेश्चन सपोर्ट